सो बेटे नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बेटे जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ, ये दिए थे फैराडे ने। दीज वर गिवन बाय फैराडे। इसलिए इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का नाम भी दिया जाता है। देखो बेटे फैराडे ने दो लॉ हमें दिए हैं, ठीक, दो लॉ हमें दिए हैं। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बाय फैराडे। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत सिंपल है, जितना पढ़ोगे उतने नंबर आएंगे ना भाई, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कम पढ़ोगे कम नंबर आएंगे, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा नंबर आएंगे, ये तो है नहीं कि पढ़ा कम नंबर ज्यादा आगे पॉसिबल नहीं, पढ़ा ज्यादा नंबर कम आगे पॉसिबल नहीं, ठीक। ऑब्वियसली उसी तरह फैराडे बोलता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमने देखा कोई ना कोई वेट होता है सब्सटेंस का जो बनता है, कोई ना कोई वेट ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो ये कहता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड एट एन इलेक्ट्रोड, वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड एट एन इलेक्ट्रोड, वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड एट एन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the charge passed through it. कहता है कि weight of substance deposited या weight of substance formed at an electrode is directly proportional to the charge passed through it, amount of charge, yani W is directly proportional to Q. W is directly proportional to Q. Weight उतना ही बनेगा जितना मेरे बच्चों हमने यहां पे charge pass करवा देना है। ज्यादा charge pass करवाओगे ज्यादा current बनेगा भैया, कम charge pass करवाओगे कम current बनेगा भैया, क्लियर। तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास हो गया, ठीक है जी। अब ये कहता है कि W जो होगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो क्या करते हो यार, कुछ तो करते होंगे, कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहां कांस्टेंट लगेगा Z, कांस्टेंट क्या लगेगा Z बेटा, इस प्यारे से जेड को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा अगर आपसे यही पूछ लें, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सिंपल बात यह है अगर इसके साथ जुड़ी हुई चीज को मैं वन कर दूं और चार्ज है तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो अगर इसको मैंने वन कूलम चार्ज पास करवा दिया तो W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज The weight of substance deposited on an electrode. It is electrochemical equivalent is the weight of substance deposited on an electrode when one coulomb charge is passed through it,
वन कूलम चार्ज इज पास थ्रू इट। जब हम एक कूलम चार्ज को इसमें से पास ऑन करवा देते हैं, ठीक, जब हम इससे एक कूलम चार्ज को पास ऑन करवा देते हैं, ठीक, तो उस समय जितना वेट डिपॉजिट होगा उसको अपन जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देते हैं। अगर थ्योरेटिकली इसको निकाला जाए तो जेड इज ई अपॉन 96500, वेयर ई क्या होता है बेटे, ई होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, ई इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये जिस भी सब्सटेंस से पार्शल करवाया उसको इक्विवेलेंट वेट हमने दिया, तो वो इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 ऐसे जेड को हम निकाल सकते हैं। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, बट मैं सोचता हूं क्यों अभी परेशानी लेनी है। ना दूसरी बात हम ये जानते हैं कि क्यू जो होता है चार्ज, दैट इज आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम, कितना करंट कितने टाइम के लिए पास ऑन करवा दिया, यही तो चार्ज होता है। तो जब मैं इसमें पुट कर दूंगा, ठीक, मान लो ये इक्वेशन नंबर वन है, तो पुटिंग इन इक्वेशन वन वी गेट W इज इक्वल टू Z, क्यू की जगह क्या लिख दो, आई टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि W इज इक्वल टू जेड आई टी। अभी आगे इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। W इज इक्वल टू जेड आई टी, और Z क्या होता है, Z होता है E बाई 96500। तो बेटे जी हम ये भी बोल सकते हैं कि W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी, where E is the equivalent weight, I is current past, and T is time, और हमारे पास टोटल ये बेटा दे दिया गया है W is equal to E by 96500 into I into T, या W is equal to Z I T, बहुत ही easily हम इसको समझ सकते हैं। ये first law of Faraday है। यहां से हम Z की ना एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं, चाहे क्या हो, कि अगर मैं AI को 1 एम्पेयर कर दूं और इसको 1 सेकंड कर दूं, तो Z W के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की एक और डेफिनेशन आ सकती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस, weight of substance deposited, weight of substance deposited at an electrode when 1 ampere, when 1 ampere current is passed for 1 second। अगर हम 1 सेकंड में 1 एम्पीयर करंट को पास करें तो जितना वेट डिपॉजिट होगा उसको बेटे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, उसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो बेटे यहां ना 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास आए हैं जिनको आपने बहुत 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 ध्यान रखना है, जिसके ऊपर आगे क्वेश्चन होंगे। पहला W इज इक्वल टू Z इनटू Q, वे W इज द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट व्हिच इज E बाय 96500, Q इज चार्ज, अगर सीधे चार्ज दिया। दूसरा फॉर्मूला W इज इक्वल टू Z आई टी, वेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I इज करंट एंड T इज टाइम। और तीसरा जब हम Z को एक्सप्लोर करके लिख देते E by 96500। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, बोलो भाई फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलना, थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई इसकी, जल्दी क्विकली, शाबाश, वेरी गुड।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अब हम पढ़ेंगे यहां पे, यहीं पर साथ ही में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बच्चे, जब फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, ठीक, तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान देना, ये कहता है कि अश्विनी सर, मुदिता को, खुशबू को, दिया को, अक्षित को, आर्यन को, कार्तिकेयन को, सभी को बराबर टाइम पढ़ाते हैं, बराबर पढ़ाते हैं, बट नंबर सबके अलग अलग आते हैं। टेस्ट में नंबर सभी के अलग अलग आते हैं, क्यों? क्या ये सर के पढ़ाने पे डिपेंड करता है या सर के टाइम देने पे डिपेंड करता है? नहीं, ये डिपेंड करता है तुम्हारी समझ पर, तुम्हारी मेहनत पर। उसी तरह से ये सेकेंड लॉ बोला गया, बोला इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड, इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, टू क्या जितनी मर्जी हो, डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर सेम टाइम the weight of substance deposited will be proportional to the weight of substance deposited will be proportional to equivalent weight of substance, equivalent weight of that substance। कहता है अगर different cells है मेरे पास, अलग अलग cells है, उन सभी सेल में मैं सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए पास ऑन करता हूं, तो क्या होगा, जो वेट बनेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा, ठीक, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वेट डिपॉजिटेड भी ज्यादा होगा, ठीक, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, या बोल सकते W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। दिस इज द मास्टर फॉर्मूला, याद करो, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट पढ़ाते हुए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। ठीक है जी बेटा, समझ में आया कि नहीं? सेकंड लॉ समझ में आया कि नहीं आया? न्यूमेरिकल आगे करेंगे, इसकी वर्किंग इसकी करेंगे, थ्योरी समझ में आई कि नहीं ये बता दो बस। इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू टू डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द सेम टाइम, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो भाई, प्लस टू का एक क्वेश्चन देखने का, हमने दोनों लॉ कर दिए, दोनों की थ्योरी समझ में आ गई। पहला लॉ क्या बोलता था? बोलता था वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर दैट इलेक्ट्रोड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इट। जितना ज्यादा चार्ज पास ऑन करोगे उतना वेट बनेगा। और दूसरी बात बोलता है, चार्ज अगर बराबर होगा तो बेटा उसका वेट विल बी प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो सी, अब यहां से आपको एक क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन क्या दिया हमें, कहा कि प्रूव दैट सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इज
कॉरोलरी ऑफ फर्स्ट लॉ, मतलब जो सेकेंड लॉ है ना वो फर्स्ट लॉ से ड्राइव हो सकता है, ये कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, ठीक, ये बिल्कुल कोरिलेट करता है फर्स्ट लॉ से, हमें प्रूफ करना है ऐसा है। तो कैसे प्रूफ किया, हमें पता था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वी वेरी वेल न्यू दैट W इज इक्वल टू ZIT, ये भी पढ़ लिया तुमने, W इज इक्वल टू ZIT, ठीक। हमने दो सेल ले ली, सेल वन या इलेक्ट्रोड वन और दूसरा इलेक्ट्रोड टू, बेटे इसका W1 will be equal to Z1 I into T, ठीक, और इधर W2 is equal to Z2 I into T, ठीक। अब दोनों के ले लेते रेशियो, इसको इक्वेशन वन बोल दो, इसको इक्वेशन टू बोल दो, तो बोलो डिवाइडिंग वन बाय टू, आपने वन को टू से डिवाइड कर लेना था, तो डिवाइड किया W1 Z1 I into T divided by W2 is equal to Z2 I into T, ठीक। Now if same current is passed for same time, अगर दोनों में same current same time में pass on करवा दिया, ITIT cancel हो जाएगा, therefore W1 by W2 is equal to Z1 by Z2, और Z था E1 upon 96500 divided by E2 by 96500, Z तो E by 96500 है, ये कट गया, यहां से हट गया, तो इसका मतलब हो गया W1 by W2 is equal to E1 by E2, मतलब W is directly proportional to E, which is second law. तो आपने देखा शुरुआत हमने फर्स्ट लॉ से की थी, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन लिए और उसमें करंट सेम टाइम के लिए पास ऑन किया, तो जब हमने उसे सॉल्व किया अल्टीमेटली वी गॉट सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ इज कोरोलरी ऑफ फर्स्ट लॉ, यानी सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ से ही निकल जाया करता है, सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ से ही निकल जाया करता है, इसके लिए आपको कोई बहुत स्पेशल काम नहीं करना होता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है, अगर आ गई है तो फटाफट यस लिखो ताकि हम इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी अभी खत्म करें और इसको फटाफट से करके देखें। यस, शाबाश शाबाश।